एनरिचिंग पर्सनली, यू नो, बिना कुछ कहे हम बहुत कुछ कह रहे हैं. सो वो चीज़ मुझे सबसे अच्छी लग रही है. यू नो, इवन हमारी प्रमोशंस जिस तरीके से हो रहे हैं, आई फील लाइक, यू नो, जो हम पोस्ट्स और वट एवर वी आर पुटिंग आउट और वट एवर पीपल आर रिसीविंग प्रोमोज, आई थिंक एवरीथिंग इज लाइक इन अ वेरी साइलेंट वे वी आर सेइंग अ लॉट ऑफ थिंग्स. आई डोंट नो, आई फील दैट. सो इट्स बीन प्रीटी एनरिचिंग एक्सपीरियंस. एक्सपीरियंस मतलब बहुत ही लंबा, ये दैट दिस क्वेश्चन इज लाइक कहाँ से शुरू करूँ. इट वॉज अ एनरिचिंग, वेरी कथार्टिक, बहुत ही फुलफिलिंग एक्सपीरियंस था एज एन एक्टर, एज अ पर्सन, यू नो, क्योंकि आई थिंक बहुत ज़रूरी कहानी है और मैं बहुत खुश थी कि आई वॉज़ गेटिंग टू बी अ पार्ट ऑफ अ स्टोरी लाइक दिस. यू नो, एक ऐसी कहानी सुनाने का मौका मिल रहा है, उसका पार्ट होने का मौका मिल रहा है, जो बहुत सेंसिटिव है और बहुत रेलिवेंट है. चाहे कहानी बेस 90s में है, लेकिन यू नो, पीपलिका, आस्था, हेमंत, एजाज़, ये इतने इंटरेस्टिंग कैरेक्टर्स हैं कि आपको सोसाइटी में दिखते हैं ऐसे लोग और उनके पर्सपेक्टिव्स दिख रहे हैं आपको. बिल्कुल प्रीची नहीं है शो. सो द एक्सपीरियंस ऑफ वर्किंग एंड नाउ द एक्सपीरियंस ऑफ इट कमिंग आउट, इट्स ऑल बीन वेरी वेरी सो हार्ड फॉर मी टू स्पीक हिंदी, बट ओके, आई एम गोना ट्राई. मेरे लिए बहुत लंबी कहानी है. दिस टाइम आई फील लाइक द मैरिड वुमन कहानी जो है सिर्फ मेरे लिए है. यू नो, ये रोल, ये चांस जो मैं मिल रही हूँ, मैंने सोचा लाइक बहुत सालों के लिए कि मैं एक्टिंग करूँ कि नहीं, ये करूँ कि नहीं. ये बहुत क्लियर है कि द मैरिड वुमन इज़ समथिंग दैट आई वांट टू टेल, इट्स समथिंग आई वांट टू डू. कोई क्वेश्चन नहीं है मेरे अंदर, मैं बिल्कुल क्लियर हूँ. और लाइक जस्ट फॉर दैट मच मैं पूजा करती हूँ हर दिन कि थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, यू नो. एंड Rithi is such a fine actor. Suhas Raza, amazing director. Sahir Raza. Why did I say it? But Suhas is also amazing as Hemant. So I'm mixing everything in my head. But everyone, har cheez jo iske andar hai, art direction, director of photography, direction, acting, even the presentation, the promotion, everything feels just right. Mm-hmm. अच्छा अच्छा, राइट. मतलब मैं क्या बताऊँ, देर आर सो मेनी मैरिड वुमेन. वो शायद जब वो डायलॉग देखेंगे उनको लगेगा हाँ बिल्कुल सही कह रही है. नो, इट्स आई जस्ट फील लाइक हम आस्था को, स्पेसिफिकली फॉर मी, आस्था को एक ऐसे पॉइंट पे मिल रहे हैं उसकी लाइफ के जहाँ वो अपने आप से बहुत सवाल पूछ रही है. वो सोसाइटी की जो एक सिस्टमैटिक तरीका होता है, यू नो, चलने का, उसको वो क्वेश्चन कर रही है, उसको वो एड्रेस कर रही है. इवन जो आप जिस डायलॉग की बात कर रहे हैं, शी इज़ गिविंग अ स्टेटमेंट ऑन सोसाइटी कि यू नो ऐसा होता है, एंड शी इज़ सेइंग इट इन अ वे विच इज़, वो उस मोमेंट के बाद जाके वो, यू नो, गैस पे कुकर की सीटी कम कर रही है. सो शी इज़ कंटिन्यूइंग टू लिव दैट लाइफ, बट शी इज़ रिफ्लेक्टिव. तो मुझे लगता है कि एंड अगर पीपलिका का कैरेक्टर भी आप लेंगे तो यू गेट एन इंसाइट इनटू डिफरेंट पीपल्स माइंड्स. एंड मैरिड वुमन की कहानी, सबकी कहानी अलग होती है. एवरीबडी हैज़ अ डिफरेंट वे ऑफ लुकिंग एट देयर लाइव्स. दे हैव देयर रीजंस टू डू व्हाट दे डू, यू नो. बट मैं हमेशा एक चीज़ बोलती हूँ कि एज इंडिविजुअल्स, एज अ वुमन, एज अ पर्सन, आई वॉन्ट टू ओन माई चॉइसिस, यू नो. सो वो बहुत ज़रूरी है. चाहे आप
एक मैरिज में हूँ जो सोसाइटी को बहुत एक्साइटिंग ना लगे या आपको लगता है कि बहुत बोरिंग लाइफ चल रही है, बट इफ़ यू आर अवेयर ऑफ योर चॉइसेस, दैट इज़ वॉट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट आई फील फॉर एवरी इंडिविजुअल. सो शादी कैसी भी हो पर अपनी चॉइसेस जो हम मेक करते हैं, यू नो, हम रोज़ सुबह उठते हैं, मैं खाना बनाऊंगी, मैं अपने पति का ख्याल रखूंगी, यू नो, माय हस्बैंड इज़ अर्निंग वेरी वेल बट आई विल बी द मैरिड वुमन. यू हैव टू नो योर चॉइसेस. आप किसी और के लिए मत करो, आप किसी के प्रेशर में मत करो, किसी को प्लीज़ करने के लिए मत करो. अगर आप खुद करना चाहते हो, देर इज़ नथिंग रॉन्ग इन इट, यू नो, देर इज़ नथिंग रॉन्ग इन बींग अ मैरिड वुमन हु इज़ इन अ हाउस 24/7 वर्किंग इफ़ शी इज़ डूइंग इट फॉर हर सेल्फ, यू नो, ये मुझे लगता है. सो या दो कंसेंटिंग एडल्ट्स जो चाहें वो कर सकते हैं. तो अदर मैरिड वुमन का कहानी के बारे में अगर आप थोड़ा बहुत बता सकते हैं. I mean, okay. What can I say? इस कहानी में चार लोग हैं. लेकिन दिस इज़ फन फॉर मी, लेट मी ट्राई. लेकिन उसमें ही दो लोग हैं. रिद्धि प्लेज आस्था, आई प्ले पीपलिका. एंड आप पहले से अगर आप देखोगे ना, आप सोचोगे कि इन दोनों के बीच में कोई सिमिलैरिटीज नहीं है. लेकिन लाइक जैसे रिद्धि ने कहा कि हर कहानी अलग है, उसमें ही किसी ना किसी चीज़ यूनिवर्सल है कि हम सब लोग खुश चाहते हैं, प्यार भी चाहते हैं. वी वांट टू बी एक्सेप्टेड, वी वांट टू बी सक्सेसफुल. एंड आई थिंक इन दैट प्लेस वेयर वी ओवरलैप ऑफन, इफ वी फाइंड समवन हु मेक्स अस बेटर, देन वी फॉल इन लव. एंड आई मीन यू फॉल इन लव ऑफन, आई से दिस ऑल द टाइम, कि हम प्यार हो जाते हैं जब हम एक रिफ्लेक्शन देखते हैं जिसमें ही हम like odd, like I'm more than I thought I was in the reflection of this person. Yeah. And I think between Asta and Piplika, that happens and it happens and it happens exponentially. And so even though you think this love has no chance, somehow it just keeps expanding, you know? And that is a really beautiful thing to witness, because essentially you're saying that love breaks down every wall and takes you to places you never expected. And what can be more beautiful than love, you know? You know, love jo hai, hum dekhte hain ki hamari society mein kisi ke beech mein ho sakta hai, chahe wo log ke beech mein ho, men ke beech mein ho, men ab to kuch nahi, woh bhi hai, lekin uske alawa bhi hamari society mein dekhte hain ki society ke log se, matlab ek dusre ke andaaz se dekhte hain. देखते रहें, मतलब आई फील लाइक यू नो, लोग तो जज करेंगे, यू नो, लोगों का काम है कहना, वो तो कहते ही आ रहे हैं. बट आई थिंक द प्रॉब्लम इज दैट लाइक आई सेड, यू नो, यू शुड बी अवेयर ऑफ योर चॉइसेस. एंड येस, देर शुड बी अ फ्रीडम ऑफ लेटिंग इंडिविजुअल्स बी. देर शुड बी, यू नो, वी लिव इन अ फ्री कंट्री एंड अ फ्री वर्ल्ड, एंड we should let people be, you know. Aapko koi cheez, everyone has their reasons to not like something or like something. You are allowed that, you know. Agar aapko koi cheez pasand nahi hai, theek hai, aapko pasand nahi hai, but that doesn't mean that you stop another person from being who they are. That's all I feel. I've been saying it a lot that main labels mein vishwas nahi rakhti. Aur jab aap label se pare hat ke logo se connect karte hain, to आपको पता चलता है कि कितनी सिमिलैरिटी है, यू नो, लोगों में, हर इंसान में. हम सब इमोशन से बने हैं, वी आर ऑल मेड ऑफ द सेम इमोशंस. सो देर इज़ नॉट मच डिफरेंस इन अ मैन लविंग अ मैन, अ वुमन लविंग अ वुमन, और बी इट एनी थिंग, यू नो. वी द यूनिवर्सल, द इमोशंस वी शेयर आर ऑल्सो यूनिवर्सल एंड सो पर्सनल, यू नो. कोई ऐसा नहीं है जो हंसता ना हो या रोता ना हो या गुस्सा ना होता हो, जैसे पेन ना होता हो. तो जब आप किसी का पेन समझेंगे, आप उसको अप्रिशिएट करेंगे, उस इंसान को. एंड आई फील लाइक वी गिव टू मच, हम बहुत तवज्जो देते हैं लेबल्स को, उसकी वजह से बहुत प्रॉब्लम होती है. तो आई थिंक आई वॉन्ट टू स्टार्ट बींग द फर्स्ट पर्सन टू से ऑन.
आई डोंट वॉन्ट टू अक्नॉलेज लेबल्स, आई डोंट वॉन्ट टू, बिकॉज मुझे उस डायरेक्शन में जाना ही नहीं है इन माई थॉट, इन माई स्पीच और इन हाउ आई एड्रेस ऑल्सो एनी थिंग एनी वे, बिकॉज इट्स पॉइंटलेस. हम जितना यू नो एक उस तरफ जाते रहेंगे फिर हम वहीं घूम जाएंगे. लेट्स लुक द अदर वे, लेट्स लुक टूवर्ड्स लव एंड ह्यूमैनिटी. दैट्स ऑल आई वॉन्ट टू टॉक अबाउट. सो दैट्स वॉट आई फील. डिड यू रीड द बुक? नो. ओके. हाँ मैंने पढ़ी थी. सो मैं बहुत खुश थी क्योंकि मैं एज एन एक्टर इवन लाइक इवन व्हेन आई डन टेलीविजन मैं बहुत सवाल पूछती हूँ. मैं बहुत सारे क्वेश्चंस पूछती हूँ अबाउट द कैरेक्टर, अबाउट हर इक्वेशन विद डिफरेंट कैरेक्टर्स एंड व्हाई इज शी डूइंग दिस, व्हाई इज शी थिंकिंग लाइक दिस. आई आस्क अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस. सो मैं बहुत खुश थी जब मुझे बुक पकड़ाई. सबसे पहले तो मैं खुश थी कि ओ माई गॉड आई एम प्लेइंग दिस, यू नो आई एम दिस इज आई कुडंट बिलीव इट. Yeah, I feel like, well, love is universal and love conquers all, as the cliche says. But I think judgments come from fear. And often we judge things we don't understand, which is where shows like The Married Woman, but many things, I mean, art in general has an important role to play in telling stories that help people understand. And once you understand that, like, oh, okay, ऐसा होता है कभी भी, मैंने सोचा ही नहीं कि ऐसा हो सकता है. Yeah. Once you do that, then people's minds open. You know, when we say, you know, आप क्या सोचते हो कि कोई चेंज हो रहा है कि नहीं आज, ठीक है औरतों के लिए, like 90 से whatever. It's like, yeah, it's better. But we have a long way to go. And one of the reasons why it's better is because we're finally sharing these stories. There's something called normalizing. Normalize a woman not getting married. Normalize a man loving a man. Normalize a woman loving a woman. Normalize these things, you know. Jab main choti thi, maine papa, mere papa ne kaha ki agar aap singer banaogi na, no one will give you respect. Lekin now, he's like, I'm so proud of my daughter, you know. Aisa hota hai society mein. Jab log judge karte hain, wo darte hain ki, you know, something, I've never seen this before. Ye kya hai, main samajh nahi aa raha hai. Aisa mat karo. So through these stories, we say this happens and, you know, it's okay. And that's it. It's really that simple. So firstly, I was very excited क्योंकि as an actor मेरे previous मैंने web show जो किया था असुर, उसके बाद मुझे रोका गया था कि कुछ और मत लो, रुको, अच्छा काम मिलेगा, you know, you're a good actor, you'll get good work, so don't take up anything in a hurry. You know, honestly, आपको नहीं पता खुद को कि आप, you know, is it worth it? Should I wait? Should I just work? Should I just do something? Because एक आवाज़ ये भी है, सब लोग बोलते हैं कि you know, out of sight, out of mind. Yeah, so you'll disappear, which I don't care about. I'm yeah. like, it's okay. Let me go out of sight. I don't care. Yeah. But so when I got the book, firstly, I was deeply grateful क्योंकि मुझे लगा कि मेरा my wait was worth it. I took the risk of sitting at home and waiting for what I didn't know. At that time, I didn't know ki kya mujhe milne wala hai. To jab book maine dekhi, sabse pehle to main bahut khush thi ki oh my god, it's the title role. Aur fir main aur bhi zyada khush thi ki mujhe ek puri novel mil rahi hai on characterization of Aastha. So I'll have no questions left. All my questions will be answered because I'll know her completely. So I didn't read all of it because somewhere in between mujhe bol diya gaya tha ki it's based on the book, it's right. not the book. So I didn't want to read it completely. I wanted us to have our own way of telling the story. But yes, I did read a big chunk of the book. I did. Yeah, I had, well, the script, I didn't even read the script at first. I was just narrated to. And narration ke baad maine socha ki ye kahani bahut achhi hai, but I need to know more.
क्योंकि बहुत सारी चीज़ें उसमें लाइक वेयर आई थॉट दिस इज़ कॉन्ट्रोवर्शियल मे बी यू नो डू आई रियली वॉन्ट टू कम बैक एज एन एक्टर विद समथिंग सो कॉन्ट्रोवर्शियल देन आई रेड द स्क्रिप्ट देन द स्क्रिप्ट वॉज अमेजिंग देन आई रेड द बुक. The book is very different from the show. Yeah. Very, very different. But no matter what, the thing that I really resonate with is female characters who represent a journey of the fact that we can think we're so different from one another when truly we're actually the same. Yeah. And those are things that I really resonate with. Really resonate with. Wow. All right, and 8th of March streaming हो रही है and 8th of March Women's Day भी है, so अपने fans के लिए कुछ कहना चाहेंगे? I would just like to say, both of us actually would just like to say कि please the married woman को एक shot दीजिए, you know give it a shot, watch it, it's coming out on Women's Day. Reason है Women's Day पे हम the married woman लेके आ रहे हैं and हर हमारी सोसाइटी बहुत रेलिवेंट है ये शो बहुत. इनफैक्ट व्हेन आई वाज डूइंग द शो व्हेन आई वाज डूइंग द सीन्स मुझे कभी नहीं लगा कि मैं डायलॉग्स बोल रही हूँ. आई मीन कभी कभी लगता था कि ये वर्ड क्यों बोल रही हूँ, बट दैट्स बिकॉज वी आर सो यूज्ड टू थिंकिंग इन इंग्लिश दैट वी डोंट स्पीक हिंदी सैडली वी डोंट स्पीक हिंदी सो मच एंड यू नो एटलीस्ट फॉर मी. बट मोस्टली आई फेल्ट लाइक this is how we think and this is how we talk to each other. So bahut relevant bahut easy show hai, family show hai. I would say you know sit and watch it with your family, there's no harm. Thoda thought provoking hai aapko matlab aise hoga but it's entertaining. Hamare director ne itna amazing kaam kiya, he's made the show so lively. And so, you know, there's never a dull moment in the show, even though you may feel like it's very soft and it's a very, you know, a lot of people are telling me that, you know, it's looking very critical kind of a show. But it's actually got a lot of family, it's got a lot of elements of entertainment also in it. Yeah. And bahut, there's a lot of lightness to the show. It's like I call it a warm hug or like a soft breeze. That's how I look at this show. So please watch it. हमने पूरा दिल डाल दिया उसमें. Seriously. So please watch करो, support करो. Yes. And happy Women's Day. Yes. This there's a poetry in the married woman releasing on this day. So yeah. We love you. We love you. Love you also. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you, Arun. Thank you. Thank you.